thank <laughs> you हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एकदम नया केस लेकर आया हूं ये क्या केस है ये गाय क्यों बैठी है इसको क्या हुआ है इसका क्या ट्रीटमेंट है ये सारी चीज़ मैं आप आज आपको बताऊंगा उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें एकदम नए केस से परिचय करा रहा हूँ ये आप देख रहे होंगे मैं क्या क्या दबा कर देख रहा हूँ ये ये केस है ब्लोट का एक्यूट ब्लोट एक्यूट टिम्पेनी का केस है तो ये टिम्पेनी का मतलब अपहारा एकदम इतना तेज अफ़हारा आ गया है इसमें कि ये दोनों इसका जो एबडोमिन है वो डिस्टेंडेड हो गया डिस्टेंडेड एवडोमल हो गया और पूछ हटा कर हम देखते हैं तो इतना प्रेशर है कि इसका एन भी रिलैक्स हो गया एन खुल गया गोबर की जगह भी खुल गई है ड्यू टू हाई प्रेशर एव्डोमिन का साइज इतना बड़ा हो गया है इन्लार्जमेंट ऑफ एवडोमिन है कि इसका पेट फूल गया है ये देखिए दोनों तरफ आप इसको देख पा रहे होंगे ये राइट ले, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों डिस्टेंडेड है तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे ये दवा दबा के देख रहे हैं देखिए आप बिल्कुल कहीं भी इसको जो है ऐसा लग नहीं रहा कि ये आसानी से दब रहा है बहुत हार्ड दब रहा है चारों तरफ इसको पूरी तरीके से एब्डोमिन भर गई आगे तक इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रेशर है ये देखिए पूरी तरीके से हम दिखा रहे हैं तो आखिर ये कारण क्या है ये कारण क्या है कि जो इसकी एब्डोमिन कैविटी है वो इनलार्ज हो गई वो इनलार्ज कब होगी जब रूमन के अंदर गैस भर जाएगी इनलार्जमेंट ऑफ रूमन इसको ट्रमोलॉजी हम कहेंगे वो ट्रमोलॉजी है डिस्टेंडेड ऑफ एबडोमिन एबडोमिन का डिस्टेंडेड हो गया या डिस्टेंडेड ऑफ रूमन, ड्यू टू तो द एकूमलेशन ऑफ द गैसेज इन द रूमन, रूमन के अंदर एक्सेसिव गैस बनने के बाद वो इस टाइप की कंडीशन होती है और इतनी ख़तरनाक बीमारी है अगर इसकी गैस ख़त्म नहीं हुई तो मौत इसकी निश्चित है डेथ इसकी निश्चित है अफारे की वजह से रेस्परेशन रुक जाता है डाएफ्राम को आगे ये ढकेल देता है रोमन और डाइफ्रान जब आगे चला जाता है तो लंग्स को फेफड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है और सांस ना आने से पशु की मौत हो जाती है आप देख रहे हैं किस टाइप से इसका इसकी पूँछ उठी हुई है ये देखिए आप बैठी थी तब भी था लेकिन खड़े होकर हम दिखा रहे हैं खड़े होकर भी इसका ये एन खुला है तो इसका कौन कौन से कारण हो सकते हैं इस बीमारी के कारण के ऊपर मैं चर्चा करूँगा पहला कारण इसका हो सकता है ईसोफेजियल चोक अगर कोई ईसोफेगस के अंदर कोई चीज़ फंस गई है तो डकार नहीं आएगी सांस फांस पास नहीं, नहीं होगा तब वो ये केस हो सकता है लेकिन उस केस में अगर ईसोफिजियल चौक है तो उसमें सेलाइवेशन होगा मुंह से झाग आएंगे इस केस में ऐसा नहीं है दूसरा कारण हो सकता है फॉरन बॉडी प्लास्टिक बॉडी प्लास्टिक मेटेरियल गाय या भैंस खा जाता है तो लगातार ब्लोड मिलती है अफारा मिलता है तीसरा कारण हो सकता है एक्सेसिव फीडिंग ऑफ ग्रीन ग्रीन लेग्युनस बहुत ज़्यादा अगर पशु खा जाता है तब भी गैस बन जाती है तीसरा है चौथा पांचवा है एक्सेसिव फीडिंग ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर अगर अचानक कंसनट्रेट मिक्सचर बहुत ज़्यादा पशु खा जाता है तब भी ऐसा होता है और है पॉइजन के केस में पॉइजनिंग के केस में भी ऐसा होता है यूरिया पॉइजनिंग में भी ऐसा हो जाता है और है डायफ्रामेटिक हार्निया डीएच में भी होता है लेकिन डीएच में इतना तेजी से नहीं होता है अब इसमें आपका सवाल उठकर ये आता है कि ये कैसे पता चले कि ये फ़ारेन बॉडी का केस है कि ये तो केस हिस्ट्री से ये पता चला कि ये अचानक एक्यूट एक्यूमलेशन ऑफ द गैसेज है अचानक हुआ है जबकि फॉरन बॉडी में रिकरेंट होता है काफ़ी लंबे समय से ये चलता रहता है कभी बन, कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाए कभी ज़्यादा हो जाएगी केस सिस्ट्री में पता चलेगा कि इसने कोई ऐसी चीज़ खाई है यूरिया पॉइजन खाया है यूरिया टाइप की चीज़ खा ली तो अफारा है केस सिस्टम में पता चलेगा कि हरा चारा अचानक आया था इसने हरा चारा ज़्यादा खा लिया तब हो गया यह हर एक चीज़ क्या दाना रात को खुल गया रात को भैंस खुल गई थी दाना बंधा हुआ था तब दाना खा लिया तो जब केस सिस्टम लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी आम तौर से पेट में गैस बनती रहती है और गैस निकलती रहती है जब हरा चारा पशु खाता है तो गैस वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और वो गैस ज़्यादा तेज़ी से बनने लगती है और निकलने का प्रोसीजर स्लो हो जाता है बनने का प्रोसीजर ज़्यादा हो जाता है तब ब्लोट डेवलप हो जाती है तो इसका अब इलाज करने के लिए हम तीन चार चीज़ें हैं इसमें इसको पंचर भी किया गया है यहाँ से पंचर करके देखा गया है ये देखिए आपको रूमन को इसने पंचर भी किया कि इसने निडिल लगाई लेकिन निडिल के कब्जे में ये गैस नहीं आई चूँकि बहुत तेज़ी से गैस बन रही थी इसको एंटीब्लोट एंटीब्लोट के रूप में ब्लोटोसिल भी दिया गया उसके भी कब्जे में नहीं आई कार्मिटोन की सीसी दी गई उसके भी कब्जे में नहीं आई जितने भी जतन लिक्विड पैराफिन भी इसको पिलाया गया था उसके भी कब्जे में नहीं आई तो आखिर अब हम ऐसा क्या करें ये ठीक हो जाए आज हम इस पे बात कर रहे हैं सिम्टम्स की कि अगर अचानक गाय या भैंस या किसी भी पशु को इस टाइप की बीमारी हो जाती है तो वो क्या करें उसको पहले वही करना है कि इसको एंटी ब्लोड देना है कार्मिटोन देना है दूसरी चीज़ टर्पेंटाइन ऑयल विद मस्टर्ड ऑयल 50 ग्राम तारपीन का तेल और 100 ग्राम सरसों का तेल मिला के देना है इसके बाद भी ठीक नहीं हो तो इसको रूमन ट्रॉकर कैनला आता है उससे इसके रूमन को पंचर करके रखना है और इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती है तब हमें क्या करना है इसका मतलब कि ईसोफेगस चोक भी हो सकता है ईसोफेगस को के अंदर हम पाइप डाल के देख सकते हैं कि आखिर कहीं वो चोक तो नहीं है ये भी सारी चीज़ें अगर फ़ेल हो जाती हैं तो हम डन रोमेटोमी हम करते हैं पेट की सर्जरी करते हैं तब ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई फॉरन बॉडी तो नहीं है तो इस टाइप से एक एक चीज़ में लेके आता हूँ आप लोग के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें मौत हो जाती है एमरजेंसी में किताबों में लिखा है कि इसके पेट को मैं गर्म लोहा करके शार्प एज का लोहा गर्म करके इसके पेट को मैं रूमन की साइड में लेफ्ट साइड में इसमें छेद भी किया जा सकता है जिससे गैस निकल जाएगी और गै फिर पशु नहीं मरेगा ये देखिए आप राइट साइड में भी इसको है और लेफ़्ट साइड में भी है इतना ज़्यादा है कि पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नए नए केस में लेके आता रहता हूँ आप लोग देखते रहते हैं कि ये सारी दवाएँ आपको प्रारंभिक करनी है और प्रारंभिक अवस्था में पहली अवस्था में ये इलाज करने के बाद देखिए पशु अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आप वहाँ के कोई भी स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके इसका इलाज करा सकते गाँव लेवल पर मैंने आपको बताया कार्मीटोन ब्लूटो सेल ट्रपेंटाइन ऑयल और आप नील से निकाल सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद